अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो जनाब, फाइनली कराची वाले भी बड़ी ही अच्छी सर्दियां एंजॉय कर रहे हैं, और सर्दी अच्छी हो ना तो दिल करता है कि कहीं बाहर नाश्ते पर चलें। तो हम आ चुके हैं फाइनली कॉन्टिनेंटल बेकरी, और जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं नाश्ता करने के लिए कॉन्टिनेंटल बेकरी ही आती हूँ, और हमारा जो है ये फेवरेट नाश्ता स्पॉट है। यहाँ की पूरी, यहाँ का अचार तरकारी के साथ जो मिलता है, स्पेशली रायता, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो बस इस वक्त हम नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद हम निकलेंगे ज़रा थोड़े से लंबे टूर पर। आप लोगों को स्टार्ट के क्लिप से तो थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा, तो जो ख़वातीन सजावट का, घर को, घर की तज़ीन और आयश का शौक़ रखती हैं, तो आज का व्लॉग आप ही के लिए है। सो अब पूड़ियाँ खा के हम वापस आ गए थे घर। यहाँ आकर बच्चों को चेंज कराया और अब हम निकल रहे हैं फर्नीचर एक्सपो के लिए। वहाँ जाकर ज़रा देखेंगे कि क्या क्या है, किस तरह की एग्जीबिशन है। उसके बाद अगर कुछ लेना हुआ तो देखेंगे, हो सकता है ले भी लें कुछ। तो बस अब हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे तो फिर आप लोगों को दिखाते हैं और चलते हैं फर्नीचर एक्सपो। इस वक्त हम एक्सपो सेंटर के रास्ते में हैं और ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, और एक्सपो सेंटर देखकर ना मुझे मेरी बचपन का टाइम याद आ गया, और यूँ कह लें कि एक्सपो सेंटर से ना मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि जो मेरे पापा थे ना, वो जो भी एग्ज़िबिशन एक्सपो सेंटर में लगती थी ना, वो हमें लाजमी लेकर जाते थे। तो एक्सपो सेंटर को देखकर मुझे वही अपना पुराना बचपन का दौर याद आ गया। क्योंकि शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो एज सच इतने ज़्यादा फ्रीक नहीं हैं एग्ज़िबिशन के, तो वो मतलब मैं एक आध दफ़ा ही गई होंगी, शायद एक आध दफ़ा ही गई हूँ, उसके बाद नहीं गई। तो बस आज जब मैं गई हूँ तो मुझे वही टाइम याद आ गया, और आप यकीन करें मेरे बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो उनको एक्साइटेड देखकर ना मुझे अपना टाइम याद आ गया जब हम एक्सपो सेंटर जाया करते थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ करते थे। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. अब हम आ गए थे हॉल नंबर 4 के अंदर। यहाँ पर मास्टर का स्टॉल था, जहाँ मास्टर का सेलेस्ट और मास्टर का मल्टीफॉर्म दोनों आपको डिस्काउंटेड रेट्स पर बहुत इजीली मिल जाएंगे। सेलेस्ट में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ थी, तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज थी सेलेस्ट की। लाखों में भी जा रहा था स्प्रिंग मेट्रेस, और 35,000 से स्टार्ट हो रहा था डिस्काउंटेड रेट्स पर। इसके अलावा यहाँ पर डेकोरेशन पर्पस की बहुत सारी चीज़ें थी, वॉल क्लॉक्स थी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसके अलावा यहाँ पर जो थे वो कुशन्स थे, फिर आपको मिल जाएंगे छोटे छोटे स्टूल्स थे बड़े खूबसूरत से, सोफ़े लगे हुए थे, बेड सेट थे बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, प्लस यहाँ पर आपको लिविंग एरिया के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी बहुत आराम से, बहुत अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो यहाँ ये जो है ना, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी ये चीज़ें। ये बड़ी अच्छी सी टेबल थी, अगर आपके घर में अच्छी और बड़ी जगह है ना तो आप ये टेबल डेफिनेटली ले सकते हैं। मुझे ये वाला जो एरिया था ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्यारे से डेकोरेशन पीसेस थे। और अगर आपके घर में लिविंग एरिया आपका काफ़ी बड़ा है ना, तो ये साइकिल आप डेफिनेटली वहाँ पर सजा सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक मज़े की चीज़ थी, आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल रहे थे कि आप किस तरह से अपना रूम डेकोरेट कर सकते हैं।
किस तरह से अपना घर डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल आपको इंडोर प्लांट्स भी मिल रहे थे, साथ साथ यहाँ पर वॉल हैंगिंग्स भी थी बहुत खूबसूरत, टेबल्स थी बहुत प्यारी प्यारी, ऑफिस फर्नीचर था। यहाँ पर ये देखें अशमान को ना एक झूला नज़र आ गया था, ये तो चेयर थी रॉकिंग चेयर, बट अशमान को बड़ा मज़ा आ रहा था, साथ साथ ये डर भी रहते कि मैं गिर नहीं जाऊँ। तो यस, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था और हर फर्नीचर को जाकर अशमान ऑब्ज़र्व ज़रूर करते थे कि जैसे उन्होंने लेना है। खैर अब तो एग्ज़िबिशन ख़त्म हो गई और बस, तो हम यहाँ पर आ रहे थे, देख रहे थे, मज़ा आ रहा था और मुझे ये टेबल इतनी अच्छी लग रही थी। ये आई डोंट नो क्या मटेरियल है नीचे, लाइक पोर्सलिन है वॉट एवर है, लेकिन ऊपर शीशा लगा था, नीचे पूरा पानी बह रहा था। यहाँ पे ये देखें, ये पूरा जो है वो हेरिटेज होम डेकोर वालों का स्टॉल था और इनका जितना भी फर्नीचर था ना सारा ये कोई चिनोटी स्टाइल इसी तरह का कोई ना एंटीक टाइप का फर्नीचर था, तो बहुत ही खूबसूरत था। प्लस यहाँ पर इतने खूबसूरत सोफ़ा सेट्स भी थे। तो यस, अगर आप लोगों को शौक़ है घर को सजाने का बनाने का, तो ये वाली जो एग्ज़िबिशन है ना ये आपके लिए है। अच्छा, अब हम आ गए थे एक और फर्नीचर का आउटलेट कह लें, रोशांस, उनका फर्नीचर, बच्चों का जो फर्नीचर था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। स्पेशली जो इनका बंक बेड था उसके साथ स्टेयर्स के साथ साथ ना उन्होंने ड्रॉअर्स दी हुई थी उन स्टेयर्स में, तो वहाँ पे बड़ी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी आपको मिल सकती है। तो हमारे बच्चे इनके जो स्टॉल पे जाकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और उनको इतने अच्छे लग रहा था ये बच्चों का एरिया, और बच्चों के एरिया से ज़्यादा जो उन्होंने स्टफ़ टॉयस रखे हुए थे ना यहाँ पर, हमारे बच्चे उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और बच्चों का बस नहीं चल रहा था। इवन बच्चों ने पूछा था कि अंकल ये मुझे बता दें कि आपने कहाँ से बाय किया है और हमें भी इसी तरह का सेम बाय करना है। तो खैर, लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा आइडिया आपको मिल सकता है कि आप अपने बच्चों का रूम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अब हम आ चुके थे हॉल नंबर 5 के अंदर, यहाँ पर ड्यूरा फोम वालों ने अपनी स्टॉल लगाया हुआ था और इनका भी वही सेम मास्टर वालों ही की तरह है, स्प्रिंग मैट्रेस और फोम। तो हमें अपने बेड के लिए स्प्रिंग मैट्रेस चाहिए था क्योंकि जो हमारा अपना जो स्प्रिंग मैट्रेस था वो हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया था क्योंकि 10 साल हो गए माशाल्लाह से शादी को, और 10 साल में वो जो गद्दा है ना उसका जो हशर था वो बताने के भी काबिल नहीं है कि इतना बुरा हाल उसका हो चुका था। तो हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था और हमें नया गद्दा लेना था। तो फिर हमने ड्यूरा फोम वालों का जो स्प्रिंग मैट्रेस है ड्यूरा स्प्रिंग, उसी का एक हमने बाय किया है, वो मैं आगे आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। यहाँ फ़िलहाल कारपेट्स और रग्स की बहुत अच्छा स्टॉल था और यहाँ पर बहुत खूबसूरत टर्किश कारपेट्स भी थे और डिफरेंट तरह के अलग अलग रग्स भी थे। साथ में यहाँ पर ये कुछ वो था स्टॉल था जो आपका हैंगिंग कह सकते हैं या आप स्टोरेज रैक्स कह सकते हैं उसका था। तो यहाँ पर मुझे एक रैक बहुत अच्छा लगा था और मैंने अपने हस्बैंड को दिखा भी दिया है कि मुझे एग्जैक्ट यही वाला रैक अपने किचन के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मेजॉरिटी जो रैक्स थे वो सारे सोल्ड आउट हो चुके थे क्योंकि हम सेकेंड डे आए थे एग्ज़िबिशन के, तो फर्स्ट डे जो थे वो मेजॉरिटी जो फर्नीचर था वो सोल्ड आउट हो चुका था। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ थी कि यहाँ आप एग्जैक्ट ऑर्डर दे सकते थे और ये आपको फिर डिज़ायर्ड जो ये आपको डेज देंगे उसमें ये आपको बनाकर देंगे। साथ साथ मैंने बड़ी ज़बरदस्त सी जो वो डाइनिंग टेबल्स है ना उसकी भी जो है वो देखा, उसको चेक किया और डाइनिंग टेबल्स लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं अब अपने मियाँ के पीछे पड़ी हुई हूँ कि मुझे एग्जैक्ट यही इसी तरह की एक डाइनिंग टेबल अपने लिए भी चाहिए। तो देखें कब हमारी डाइनिंग टेबल आती है। बहरहाल फ़िलहाल मैंने कहा यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल्स हैं ना उसकी ज़रूर मैं पिक्चर्स और वीडियो क्लिप्स बना लूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। साथ साथ यहाँ पर कुछ मार्बल टेबल्स भी मौजूद थी। तो यस, काफ़ी अच्छी एग्ज़िबिशन थी जो हमने इंजॉय की। तो इंशाल्लाह ताला जनवरी में, यानी कि होपफुली जनवरी में दोबारा से एग्ज़िबिशन लगने वाली है। तो अगर आपने दिसंबर की एग्ज़िबिशन मिस कर दी है तो आप जनवरी की एग्ज़िबिशन में ज़रूर जा सकते हैं और वहाँ जाकर बहुत ही अच्छे आइडियाज़ भी ले सकते हैं। yeah,
ड्यूरा स्प्रिंग वालों का जो मैट्रेस है ये हमने यहाँ पर अपने लिए बुक करा लिया था, और ये है ड्यूरा साइलेंट नाइट प्लस, जिसकी बुकिंग हमने यहाँ पर करा ली थी, और विद इन अ वीक उन्होंने हमें ये मैट्रेस डिलीवर भी कर दिया, और अभी तक तो फीडबैक इसका बहुत अच्छा है। लाइक मतलब काफ़ी आरामदेह जो है वो मैट्रेस है, और बड़ा मज़ा आ रहा है इस पिसो के। सो फाइनली हम वापस आ चुके हैं एक्सपो से, और हमने जो है वो गद्दा ले लिया अपने बेड का, क्योंकि हमें वो भी लेना था, और क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया है तो जो हमारा पुराना गद्दा था उसको हमने डिस्पोज कर दिया था, और हमें एक नया गद्दा लेना था, तो लकीली हमें मिल गया और अच्छे पैसों में मिल गया। तो बस यहाँ फर्नीचर एक्सपो बहुत अच्छी लगी है, विज़िट ज़रूर कीजिएगा और आके देखें बहुत सारी चीज़ें, गद्दे के साथ साथ फर्नीचर का बहुत सारा सामान भी है जो वहाँ पर मिल जाएगा आपको इजीली। सो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।